दिखाइए भाई सबको स्क्रीन पे, और प्लीज रखिए साथ में टॉप कॉल्स का हमारा फ्रेश एकदम वीकेंड के बाद लौट के आए हुए गाबा सर को रखिए स्क्रीन पे। गाबा सर गुड मॉर्निंग, क्या कहती है आपकी वीकेंड की स्टडी? एक स्टॉक अगर चुनना हो ट्रेड के लिए आज तो कौन सा और क्यों? माइक टेस्टिंग, लो पूरी भूमिका बांधी गाबा सर के आवाज नहीं आई। डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट करो, मैं रचना जी के पास पाल चाहूंगा। आगे अभी सुनाई दे रहा है। अब तो अब टाइम नहीं रहेगा मेरे पास, अब मैं सीधे पूछता हूँ गाबा सर आज का टॉप कॉल। हाँ आज का जो कॉल है, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। ऑडियो ब्रेक हो रहा था, स्टॉक का नाम है मैरिको। मैरिको का जो बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक अपमूव मिला था और 5 दिन से एक साइडवेज मूव है। लगता है यहाँ पर एक अपमूव कायम है, एक पॉज मैं कह सकता हूँ। ट्रेड करा है 650 पे मैरिको, स्टॉप होगा 643 पे, सिर्फ 7 रुपए का टारगेट मेरे ख्याल से 670 के नजर आते हैं। तो यस मैरिको पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके मैरिको ऑन द लॉन्ग साइड, ये हो गई गाबा सर की पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग, रचना जी आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग, और मेरा जो ट्रेड रहेगा वो एलएनटी के फ्यूचर्स में रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे। एलएनटी के फ्यूचर्स में अगर हम 3640 का एसएल लगाए, इसकी प्लेसमेंट डेली चार्ट वगैरह भी अच्छी है और इंटरडे चार्ट पे बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक अपस्विंग बनने की उम्मीद है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो 3640 के एसएल के साथ लॉन्ग करेंगे अगर, तो 3710 का यहाँ पे टारगेट बना सकते हैं। दिग्गज हैवी वेट लार्सन एंड टूब्रो, ये है रचना जी का प्रिफर्ड आइडिया। मानस गुड मॉर्निंग, मानस आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अंदर जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरा समझना है कि जिस तरह का ब्रेकआउट हमने आईटी स्टॉक्स में लास्ट सेशन में देखा, उसको देख के लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। बिरला सॉफ्ट में फ्रेश ब्रेकआउट था, प्राइस ब्रेकआउट था, वॉल्यूम ब्रेकआउट था। आई थिंक यहाँ पर आप अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 719 रुपए 719 का स्टॉप लॉस लगाना है और 755 रुपए 755 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं बिरला सॉफ्ट के। एट द मनी 730 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 25 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी तो उसके आसपास मिले, तो 18 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 40 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके बिरला सॉफ्ट, तो ये हो गई मानस की पिक इस समय। एक आई टी स्टॉक, एक एफ एम सी जी स्टॉक, एक कैपिटल गुड स्टॉक, अब तक पूरा का पूरा मामला वर्सेटाइल। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी थोड़ा सा रुझान आईटी की तरफ है लेकिन वो काफी कवर हो चुका हुआ है, तो सेकंड सेक्टर जो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है डेट इज एफएमसीजी। यहाँ पे हमने रिसेंटली आउट परफॉर्मेंस देखना शुरू किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा, तो मैं आईटीसी को पिक करना चाहता हूँ। जिस हिसाब से स्टॉक ने अपना एक 450-455 का एक अहम रेजिस्टेंस क्रॉस किया है काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स और जिस हिसाब से इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं, तो आईटीसी बाय करें। 453 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 470 के। ये लीजिए भाई साहब दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो, साथ ही हैवीवेट आईटीसी, ये एक्सपर्ट्स के आज के टॉप कॉल्स की लिस्ट में स्टॉक्स। तो निफ्टी तो बढ़िया है। लाइए भाई सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, सतपुत्र साहब आज का प्रेफर्ड पिक सर? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नजर हम फार्मा पे ही रखेंगे, जैसे कि अनुज जी ने कहा थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले भी रखना चाहिए। सो देखिए मेरे रडार पे दो काउंटर है, एक तो सिप्ला जिसका जिक्र लास्ट वीक हुआ, तो मैं ये सिप्ला को फिलहाल के लिए स्किप करूंगा लेकिन सिप्ला अच्छा लगता है, लेकिन अल्केम मुझे वन नॉच आप कह सकते हैं कि बेटर लगता है, क्योंकि अल्केम में एक कूल ऑफ हुआ है और ये जो कूल ऑफ है इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 10 DA में। सो एट ए लेवल ऑफ 5207 ये इसका फ्राइडे का क्लोज है, तो मैं अल्केम बाय करने की चेष्टा करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5165। मेरे हिसाब से इसमें एक स्विंग मिलना चाहिए, इसका इनिशियल टारगेट होगा 5280 से 5300 और पोजिशनली मुझे लगता है 5350 तक का एक बड़ा मूव अल्केम में आना चाहिए। सो करंट पॉइंट से आप कह सकते हैं 150 पॉइंट का मूव अल्केम में ड्यू है। अल्केम लैब्स ही हो गई राजेश सतपुते के पिक के लिए, आज की टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। आप मयूरेश के पास चलते हैं एक पंडा पिक के लिए। मयूरेश गुड मॉर्निंग, हरेश क्या पिक किया? मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन। तो नॉट मेनी चेंजेस क्योंकि मार्केट्स कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है और बजट और अर्निंग्स के लिहाज से हमें लगता है पेनार इंडस्ट्रीज इज अ कॉल दैट विल कंटिन्यू। जो इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है उनके साथ जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का बिजनेस है
दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली डोमेस्टिक मार्केट और उनके एसेंट बिजनेस जो यूएस बिजनेस है उसमें. दूसरा आई थिंक मैनेजमेंट का कहना बहुत क्लियर है, जो इन्होंने नए प्लांट भी कमीशन किया है, वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों का भी अच्छी होनी चाहिए. एंड ओवरऑल बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट में अगर आप प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग को छोड़ के बिजनेस स्ट्रक्चर देखते हैं इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स को केटर करता है, कहीं ना कहीं ओवरऑल एबिट मार्जिन जो 5% की इन्होंने पोस्ट की थी, दैट शुड इंच अप टू अराउंड 7-7.5% ये पूरे वित्त वर्ष के लिए. तो मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ग्रोथ मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव लग रही है. एंड एबिट मार्जिन एक्सपेंशन विल मीन टॉप डाउन ग्रोथ आनी चाहिए फॉर द कंपनी एज अ होल, इंक्लूडिंग रिटर्न रेशियोज एज वेल. तो मुझे लगता है पेन्नार एक अच्छा विकल्प हो सकता है एट द करंट लेवल या एनी पुल बैक दैट द स्टॉक प्रॉपर्ली सीज. हमें 18-20% की अपसाइड दिख रहे हैं. क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च में डाल दीजिए. ओके, ये हो गए आज के सारे बेहतरीन आइडियाज. क्विकली रैप अप करता हूँ. हर्षदा और लक्ष्मण रेडी हैं, उनके पास भी चलना है. एक से स्टॉक्स इन न्यूज, दूसरे से बढ़िया सी बजट एक्सक्लूसिव लेना है. लेकिन रैप अप पहले, गाबा सर कह रहे हैं मैरिको खरीदारी करने का कॉल है, तेजी करिए. लक्ष्य 670 का, लेकिन हमारे स्टॉप लॉसेस 643 पर. लार्सन एंड टूब्रो रचना जी का आइडिया 3640 का स्टॉप, 3710 के टारगेट्स. बिरला सॉफ्ट मानस का प्रिफर्ड पिक 719 का स्टॉप, 755 के लक्ष्य. सेठ साहब कह रहे हैं आईटीसी 453 के स्टॉप के साथ खरीदिए 470 के टारगेट्स के लिए. सतपुते साहब एल्कम लैब्स के साथ जा रहे हैं 5165 का SL, 5280, 5350 तक के टारगेट्स. और मयूरेश का पिछले कुछ समय से एक प्रेफर्ड फंडामेंटल आइडिया पेन्नार इंडस्ट्रीज, खरीदारी करने के मौके अभी भी नजर आते हैं. बढ़िया है स्टॉक लंबी अवधि के लिहाज से. बढ़िया डिफेंसिव का बोलबाला लग रहा है इस समय. FMCG, IT, फार्मा, ये ज्यादा प्रेफर्ड गो टू पॉकेट्स एक्सपोर्ट्स के बने हुए. चलिए चला जाए दिल्ली, लक्ष्मण के पास. अपन अभी चर्चा ही कर रहे थे कि बजट कितना बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.